एल्विश यादव की खबरों ने एक बार फिर से सिस्टम हैंग कर दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ एल्विश ही एल्विश छाए हुए हैं। और जब से ये खबर आई है कि वो अरेस्ट हो चुके हैं और उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, तब से ही एल्विश और उनके फैंस शॉक्ड हैं। बाय नाउ यू मस्ट नो कि एल्विश को रेव पार्टी केस की पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट के बाद वीडियोस जैसे ही सामने आने लगे, एल्विश भाई तो मुस्कुराते हुए दिखे और लोगों ने यूट्यूबर की इन वीडियोस पर जमकर मजे भी लूटे। सोशल मीडिया पर इस समय एल्विश के मीम्स ही मीम्स छाए हुए हैं। आपको वो वीडियो तो याद ही होगा, अरे ये वाला वीडियो। अरे एल्विश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? लो भाई, नोएडा पुलिस ने बोला बाद में, करके पहले दिखा दिया। और भी कई मीम्स हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, अब ये भी देख लीजिए। मामला सॉर्टेड, मतलब ये तो भाई नेक्स्ट लेवल हो गया। बेचारी अंजलि अरोड़ा को भी नहीं छोड़ रहे ये मीम क्रिएटर्स। हैशटैग अंजलियंस भी ट्रेंड हो रहा है। ये सब छोड़ो, ये देखो, मेरे ऊपर मीम मत बनाओ, ऑफेंड होके मारने आ जाऊंगा। और रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ये 14 दिन तक एल्विश किसी को नहीं मार पाएंगे। अब आपको क्या लग रहा है, क्या स्नेक वेनम केस में एल्विश का सच में कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।